हिजबुल्ला चीफ नसरुल्ला की मौत मिडिल ईस्ट में बड़ा असर डालने वाली है। नसरुल्ला की मौत पर ईरान एक्शन की उम्मीद उसके सहयोगी आतंकी संगठन लगा रहे हैं। ईरान का एक बड़ा वर्ग भी इसराइल पर जवाबी कार्रवाई के लिए दबाव बना रहा है। उसने ईरान में तख्तापलट जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, पर ईरान को पता है कि इसराइल के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एक्शन खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है। अगर ईरान अटैक करता है तो इसराइल के साथ अमेरिका खुलकर जंग में कूद सकता है, और अगर ईरान हानिया की मौत की तरह चुप रहता है तो उसके सहयोगियों का भरोसा ईरान से टूट सकता है। नसरुल्ला के मारे जाने के बाद ईरान में जबरदस्त गुस्सा है। ईरानी सड़कों पर उतर आए हैं और इसराइल से बदला लेने की बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्टियान बार बार धैर्य रखने की बात कर रहे हैं। इससे नाराज लोग अब अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि जब हानिया को तेहरान में घुसकर इसराइल ने मार गिराया था, अगर उसी वक्त ईरान हमला कर देता तो आज नसरुल्ला जिंदा होता। लेकिन ईरान जानता है कि मिडिल ईस्ट में इसराइल से डायरेक्ट पंगा लेना बेहद महंगा साबित हो सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री पहले ही ईरान को चेतावनी दे चुके हैं, अगर कोई उनके देश पर हमला करेगा तो इसराइल उसका बदला जरूर लेगा। जो इसराइल को छेड़ेगा उसे इसराइल छोड़ेगा नहीं। ईरान इस धमकी को हल्के में लेने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। नसरुल्ला ने हल्के में लिया तो आज दुनिया से मिट गया। ऐसा इसराइल अपने हर दुश्मन के साथ करता रहा है, इतिहास गवाह है। लिहाजा लोगों के गुस्से के बावजूद ईरान कभी भी सीधी जंग में नहीं जाएगा।